लेकिन वहाँ तीसरे चौथे लोग जो वहाँ धंधा कर रहे हैं वो आपको रोकना पड़ेगा। आज जो सुबह बहस मारी हुई तो जैसा इनकी कार्य करते हो आज बरोज इतवार 19 दिसंबर 2021 वर्जय रोड पर एक खाली जगह पड़ी हुई है काफी दिनों से, जिसका मैटर जो है कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो जगह रिजर्व है, लेकिन उसको कुछ लोगों ने प्लॉट बनाकर बेच दिया है। तो आज सुबह से वहां पर देखने को मिला कि बहुत मामले बढ़े, लोगों में बहस तकरार हुई है। कुछ लोग वहां पर जमीन का कब्जा लेने आए थे, जबकि वहां की जो आसपास की आवाम है उसका कहना है कि अभी यहाँ का जो मामला है तो कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में केस है, जब तक के निकाल नहीं होता कोर्ट से तब तक के उस पर कोई बांध काम नहीं कर सकता, ये कायदा है, कोई जगह ताबे में नहीं ले सकता। लेकिन कुछ लोग, आप आगे वीडियो में देखिए, कुछ लोग वहां पर पहुंचे और आवाम के साथ उनका कुछ भिड़ंत हुई, तो मामला इस कदर बढ़ गया कि आवाम अपना मामला सुलझाने के लिए धुलिया शहर के आमदार फारूक शाह साहब के पास गए। अब इसके ऊपर जो शासन है, शासन को ध्यान देने की जरूरत है और आमदार साहब को कड़क एक्शन लेने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वहां पर खून खराबा हो, उससे पहले ही आमदार साहब को और जो है पुलिस डिपार्टमेंट और महानगर पालिका को इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और इसकी छानबीन करके मामले को खत्म करना चाहिए। हम खास तौर से बोले कि भाई कोर्ट मेट रही है अभी, इसको कुछ करो मत अभी आप लोग। अच्छा, कोर्ट में कंटम, कोर्ट ऑफ कंटम हो जाएगा आपके ऊपर। हाँ। तो कुछ ज्यादा करने लगे, नहीं हम तो बनाएंगे यहाँ, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करके। तो हमने मुनासिब ये बच्चे भी बोलने लगे, अपन आज शाम में बोले अपने साहब से बात डालते, बोले बोले यार आदर साहब को मैंने ब्रीफ दिया था, उन्होंने बोले थे इंशाल्लाह यहाँ अपन अच्छी से अच्छी कोई चीज़ बनाएंगे इसी करके। क्या आमदार साहब अभी उस पर कोई निकाल नहीं निकला, लेकिन वो अलग अलग पुराने मौजमा अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने। आज जीसीबी लगा के पूरा इन्हें पूरा जीसीबी लगा के उन्होंने दाती कर रहे, उन्होंने लाइन आउट भी कर लिया आज उन्होंने। नीलेश रफी आमदार साहब, जैसा अभी जो सुबह हां बनना कौन है अंदर आज जो सुबह बहस मारी हुई तो जैसा इनकी कार्य करते हो जिनसे हुई, तो मोहल्ले के अंदर है ना ऐसा मैसेज जा रहा कि ये भाई कहीं आमदार साहब को उसमें तो नहीं ये काम हो रहा। अच्छा। तो इससे हम अर्जेंट में पूरे मोहल्ले के बच्चों को जमा करके यहाँ पे लाए कि जैसा अभी कोर्ट मेटर अभी निकाल लगा नहीं है कोई चीज का, उसके बावजूद अगर काम होता है तो फिर ये गलत काम है। इससे पहले कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों ने बहुत दबाव डाले, प्रेशर डाले, बाकी कुछ हुआ नहीं। यार अब की है ना बात थोड़ा बिगाड़ गई सुबह, तो हिसाब से हम आपके पास आए, अब आप खुद उस पर सोच करके फैसला करें। सर हम लोग ना ये चाहते हैं वहाँ पर कोर्ट मैटर है तो कोर्ट मैटर को निकालने की कोशिश करें, कोई कुछ नहीं कर रहा। हेलो अपनी बात भी सर, नमस्कार आमदार साहब बोल रहे सर। हेलो साहब, क्या चल रहा है? है नहीं फोन नहीं वगैरह का ही नहीं, छोटे मोटला इनके जाए का बाहर बस कहीं नहीं आता। एक डेलीगेशन आ लेना हमारे कड़े, हाँ वर्जई रोड वर एक लिहन गया, अपन कुठे आता अपन बर वर्जई रोड वर एक फाइनल प्लॉट नंबर 393 है, तिथे काही तरी आरक्षण होता आणि भरपूर मॅटर आहे त्यात। आता सध्या कोर्टात पेंडिंग येतो आणि काही लोक सकाळी गेले होते म्हणे ते साफसफाई करताय आणि तिथे एक काय गोडाऊन वगैरे बांधण्याचा प्रयत्न करताय। आपल्याला उद्या आपली टीम पाठवून
प्रसाद जाधवला आपण आता सांगून द्या उदित हां उद्या तिथे आपली हां आपली टीम घेऊन जावा आणि तिथे लोक आहेत त्यांना चांगले समज द्या हां कोर्टाचा निकाल झाल्याशिवाय काय तिथे करायचं नाही असं ठीक आहे बरोबर ओके और वहाँ जो भी शकल प्लाट बेच के अब तुम बनाना चाहते बना सकते हैं मेरी खुद की जाती राय लेकिन वहाँ तीसरे चौथे लोग जो वहाँ धंधा कर रहे हैं वो आपको रोकना पड़ेगा और फारूक भाई मैं तो हकीकत में बोलता हूँ क्या तुमने नहीं तुम्हारी मैं तो समझ मैं अभी वही बैठे बैठे सोच रहा था यार ये आदमी को हमारी पार्टी का जब हम लोग काम करते थे बात लंबी हो जाएंगी डरावर नहीं मिलता था गाड़ी वाला कोई हमको चाह नहीं उधार